नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है दही वाला उपमा या वाइट उपमा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ ही ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है और ये मोटी वाली सूजी है, जिसे लगभग 5 से 6 मिनट धीमी आँच पर अच्छे से भून लिया है। और जितनी अच्छी भूनी रहेगी सूजी, उपमा बहुत ही अच्छा बनता है। एक बड़ी प्याज को बारीक काट लिया है। एक कटोरी मैंने दही लिया हुआ, हल्का सा खट्टा दही है जिसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तड़के के लिए एक एक छोटा चम्मच राई और जीरा दोनों लिया हुआ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो राई डालें या जीरा डालें। एक छोटा चम्मच चना की दाल ली हुई है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक छोटा चम्मच उड़द की दाल है और ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आपके पास है या डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप तड़के में सिर्फ चना दाल और उड़द डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और लगभग 1 चम्मच के करीब काजू लिए हुए हैं, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच ऑयल है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हल्का सा खटास रहता है दही में, या कोई लोग नींबू भी डालते हैं तो थोड़ी सी चीनी अच्छी लगती है, लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसे अवॉइड कर सकते हो। तड़के के लिए लगभग 1 से 2 हरी मिर्च ली हुई है, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया है और मेरे पास ये सूखा हुआ कड़ी पत्ता, या जिसे हम मीठा नीम बोलते हैं, वो रखा हो तो मैंने वो लिया, फ्रेश भी डाल सकते हो। तो शुरू करते हैं दही वाला उपमा या वाइट उपमा बनाना। तो मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं तेल डाल देती हूँ, तेल गर्म होने देते हैं। तेल हल्का हल्का गर्म हो रहा है तो अब मैं इसमें राई और जीरा डाल दूंगी, क्योंकि उड़द दाल और चना दाल को भी अच्छे से भूनना है तो ज़्यादा तेल गर्म में नहीं डालेंगे, नहीं तो एकदम से दाल जल जाती है। धीमी आंच पे अच्छे से भूनती है तो क्रिस्पी रहती है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और चने की दाल, और साथ ही मैं इसमें अभी काजू डाल, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हो, काजू को भून के निकाल के बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी ही डाल रही हूँ। और थोड़ा सा चलाकर इसे भून लेते हैं, और जैसे ये दाल हल्के से गोल्डन कलर की हो जाएगी तब मैं इसमें हरी मिर्च, मीठा नीम, फिर प्याज डालूंगी। ये देखिए चने दाल और उड़द दाल का कलर कितना अच्छा सा हल्का गोल्डन कलर हो गया है। तो अब मैं इसमें कड़ी पत्ता, हरी मिर्च सभी कुछ डालूंगी। कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और गैस की आंच मैंने भी बिल्कुल धीमी ही रखी हुई है, जैसे ही कड़े पत्ता का कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, ये देखिए। और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और प्याज को भी लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। एकदम से ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, हल्का हल्का सा भून जाए। ये देखिए प्याज अच्छे से भून चुका है, एकदम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं कर रही हूँ मैं। और अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, पानी इसमें पहले डाल सकते हो, गर्म पानी से बहुत अच्छे से फूलता है सूजी भी, तो उपमा बहुत ही टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने मोटी वाली सूजी ली और अच्छे से भुनी हुई है। तो अब मैं आपको पानी का हिसाब बताती हूँ। जैसे कि मैंने 1 कटोरी सूजी ली है मोटी वाली, जैसे कि 1 कटोरी, आप कोई भी कटोरी जो ले रहे हो तो उस हिसाब से आप पानी डालोगे। जैसे कुछ लोग ड्राई खाना पसंद करते हैं उपमा, तो 1 में 2 कटोरी पानी डालते हैं, लेकिन अगर आप मोटी सूजी डाल रहे हो तो लगभग 1 कटोरी पर 3 कटोरी पानी आराम से चला जाता है। क्योंकि मैं इसमें दही भी डाल रही हूँ तो मैं 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी दही इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए अच्छे से सूजी को मिक्स कर दिया, और दही से भी अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा गीला नहीं चाहिए तो आप लगभग 1 से 1.5 कटोरी पानी डालो और 1 कटोरी भर के दही। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और पानी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ये देखिए अच्छा उबलता हुआ पानी डालेंगे तो जल्दी से ही बॉईल आ जाता है, और गैस की आंच कम कर दी है। और अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, स्वाद अनुसार नमक, और नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही अभी चीनी भी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए आप देख सकते हैं मोटी वाली सूजी थी, पानी कितने जल्दी से पी लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब मैं बिल्कुल धीमी आंच पे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी, सूजी अच्छे से फूल जाती है जिससे।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं। सूजी में मैंने पानी डाला था, आप देख सकते हो कितने अच्छे से सूजी फूल गई है और जितना पानी डाला था पूरा एब्जॉर्ब हो गया। ये देखिए कितना अच्छा खिला खिला भी दिख रहा है। तो अभी मुझे इसमें दही डालना है, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से फूली है सूजी, ये देखिए एक कटोरी दही। दही से टेस्ट तो अच्छा आता ही है, ताकि उपमा और उपमा भी बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। और अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ये देखिए दही को अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने सूजी में। और मिक्स करने के बाद में 2 से 3 मिनट और अच्छे से स्टीम दे देंगे हम सूजी को, क्योंकि अच्छे से पकाना भी है हमें। मोटी वाली सूजी हमने ली हुई है, पहले हमने पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट स्टीम दिया है। ये देखिए अच्छे से दही मिक्स कर दिया है और अब बिल्कुल धीमी आंच पे ढक करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम दे दूंगी, ताकि उपमा हमारा अच्छे से पक जाए। उपमा को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने पकाया है। अब देख सकते हो कितना अच्छा खिला खिला उपमा बना है, ये देखिए बहुत ही अच्छा उपमा बना है। और अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ, जिसे देखने में तो अच्छा लगता है, साथ ही फ्लेवर भी बढ़ जाता है। और उपमा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म दही वाला वाइट उपमा बनके तैयार है खाने के लिए। और आपने देखा है इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। नाश्ते के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और साथ ही बहुत ही हेल्दी नाश्ता भी है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि वाइट उपमा आपको कैसा लगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।